आप में से बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हम किसी भी फेक कास्टिंग डायरेक्टर, फेक कास्टिंग एजेंसी या फेक कास्टिंग असिस्टेंट को कैसे पहचाने, क्योंकि कॉल्स तो बहुत सारे आते हैं और वो इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं आपसे, इस तरीके से आपको घुमाने की और फंसाने की कोशिश करते हैं कि आपको समझ ही ना आए कि भाई ये रियल है या फेक है। तो आज आपके लिए मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग लेकर के आया हूं जिसको आपको ध्यान से सुनना है, और यहां पर आपको वो पॉइंट्स ढूंढ के निकालने हैं इस कॉल रिकॉर्डिंग में जहां पे आप समझदार बन जाए और आपको पता लग जाए कि अरे ये तो फेक है। तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फेक है, वो नीचे आपको कमेंट्स में मुझे लिख करके बताना है, क्योंकि इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपको 11 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा आज जिससे आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा, स्पेशली इस कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से, कि किस तरीके से आप किसी भी कास्टिंग एजेंसी जो कि फेक है या फेक कास्टिंग डायरेक्टर को कैसे पहचाने, और अपने कीमती पैसे आप कैसे बचा पाए, अपना कीमती समय आप कैसे बचा पाए। तो चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाय, मैडम बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, मैं मानुल बोल रहा हूँ। डियर, आपने मुझे सेम नंबर पर फॉल सेट किया था हैकिंग एंड वॉर्निंग के लिए, मुझे बताएंगे कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी अभी तो मैं फिलहाल कलकत्ता में हूँ। ओके, बट लोकेशन है तो हमने मेंशन कर रखा है मुंबई। हाँ अभी मैं कलकत्ता हूँ, मेरा एक दोस्त के घर पर आया हूँ। अच्छा, बट आपका होम टाउन मुंबई है? हाँ जी। मुझे बताएंगे ऑन कैमरा क्या एक्सपीरियंस है आपको एक्टिंग मॉडलिंग में? मॉडलिंग मेरे एक्चुअली मॉडलिंग में उतना एक्सप्रेशन नहीं है, बट क्या है कि मैंने एक शो किया था और एक बंगाली मूवी किया था और एक शो किया था वूट और एमएक्स प्लेयर के लिए मुंबई पर, एक ठीक है कॉमेडी शो किया था। ओके, और एक्टिंग में? एक्टिंग वही तो बोल रहा हूँ, एक्टिंग में और एक मूवी किया था बंगाली। अच्छा, मूवी में किया, मूवी किया था, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या एज है अभी आपको? हाँ जी, ये एज एज हाँ जी मेरा अभी 21 ईयर्स। 21 है? ओके, जो वर्क किया है वर्क लिंक आप मुझे प्रोवाइड कर पाएंगे क्या? वर्क लिंक मतलब मेरे पास वो जो ये एक्चुअली डेमो वीडियो है जस्ट एक, वो जो शो किया था उसका, और जो बंगाली मूवी किया था वो अभी रिलीज नहीं हुई। अच्छा, ओके, तो कितने टाइम से इस फील्ड में ट्राई कर रहे हैं? अभी मैं तो एक्चुअली 1 साल से, 1 ईयर हो गया आपको ट्राई करते हुए। जो मूवी आपने किया है वो लाइक प्लेटफॉर्म क्या है उसका मुझे बताएंगे प्लीज? वो एक्चुअली एक थिएटर आर्ट्स मूवीज है, वो थिएटर में थिएटर। इससे पहले थिएटर का एक्सपीरियंस लिया है आपने कहीं पे? थिएटर ज्वाइन किया था आपने? थिएटर मतलब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग हूँ, ऑनलाइन एक्टिंग क्लास करता हूँ। ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस करते हैं? ओके, पोर्टफोलियो है अभी आपके पास? पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब मेरे पास फोटो है नहीं, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो है आपके पास? ऑफिशियल पोर्टफोलियो नहीं है मैडम, नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर करूँ, डियर मैं दुर्गा फिल्म प्रोडक्शन हाउस से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने आपने जो मुझे प्रोफाइल सेंड किया है, आपका प्रोफाइल हमारे साइट से अपकमिंग वेब सीरीज के लिए शॉर्ट लिस्टेड है एंड ई कॉमर्स के प्रिंट शूट के लिए शॉर्ट लिस्टेड है। ओके, इट मीन्स हम आपको बोथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसमें एक्टिंग एंड मॉडलिंग। एक्टिंग में हम आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट जो देंगे वो वेब सीरीज, शॉर्ट मूवी, टेलीफिल्म, फीचर फिल्म एंड टीवी फिल्म हम आपको रेफर करेंगे। मॉडलिंग में जो हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं मोस्टली आपका ई कॉमर्स के प्रिंट शूट के लिए रहता है जिसमें आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील के लिए क्लॉथ शूट देख रहे हैं, है ना? तो मैंने ये जो प्रोजेक्ट के लिए हम आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे, कोई ऑडिशन के पर्पज से हम आपको कोई अपडेट नहीं प्रोवाइड करेंगे। प्रॉपर स्क्रीन टेस्ट के बेस पे हम आपको शूट की अपडेट देंगे एंड डिपेंड योर वर्क उस अकॉर्डिंगली आपके सेकेंड शूट आपको प्रोडक्शन हाउस पे देते हैं। और मिनिमम पेमेंट जो आपका होता है मैनुअल वो 1000 से 5000, ठीक है पर डे मैडम? हाँ जी, 1000 से 5000। अच्छा, आगे एंड शूट के साइड पर आपका स्टे, फूड, कॉस्ट्यूम, मेकअप, ऑल एकोमोडेशन भी आर प्रोवाइडेड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मोस्टली कास्टिंग जो आपको मिलता है मैनुअल वो सैटरडे संडे के लिए ही मिलता है, ठीक है? और ये है, ऐसा नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म आपका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह के लिए रहेगा, मोस्टली आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए रहता है जिसमें आप देख सकते हैं अमेजोन प्राइम, वूट, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, है ना? तो ऐसा प्लेटफॉर्म के लिए हमारे पास मोस्टली वर्क की अपडेट होता है। आगे जी, तो मैंने राइट नाउ आप मुझे इस नंबर पे अभी आपका ईमेल आईडी सेंड कीजिए और मुझे बताइए डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड है आपके पास? हाँ मैम है ना, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है।
जो मांगेंगे। आधार कार्ड का फोटो और आप अपना ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं प्रोडक्शन हाउस का डिटेल्स आपको सेंड कर देती हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा ठीक है। अच्छा बट डियर सी, मैं एक चीज आपको क्लियर करूं कि आपको इसके लिए हमारी साइड से रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बेस पे ही हम आपको आगे कंटिन्यू करवा पाएंगे वर्क में। क्या आप इंटरेस्टेड रहेंगे रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के लिए? रजिस्ट्रेशन फीस मतलब मैम? हाँ जी सॉरी, मैंने तो फिर सुना नहीं कि एक्चुअली आईटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ता है। मैडम मैं क्लियर करूँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं तो उसमें आपका क्या बेनिफिट रहेगा वो मैं क्लियर कर दूँ कि हमारे साइड से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिफोर वर्क 7 डेज का वर्कशॉप प्रोवाइड किया जाता है ठीक है। और ये जो आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं इसमें आपको ओनली 3,350 रुपीज आपको पे करना पड़ता है। वैलिडिटी जो रहता है वो ओनली 1 ईयर के लिए रहता है और ये 1 ईयर के बीच में कंपल्सरी प्रोजेक्ट हम आपको 5 to 7 देंगे। 5 to 7 प्रोजेक्ट में शूट हम आपको कंपल्सरी देंगे, मिनिमम मैक्सिमम 10 प्रोजेक्ट के लिए भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो भी प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग दे रहे हैं कोई ऑडिशन के बेस पे नहीं देंगे, प्रॉपरली स्क्रीन टेस्ट के बेस पे शूट देंगे। और कोई भी आपका अनपेड प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, आपका सेकेंड शूट आपको पे प्रोवाइड किया जाएगा मिनिमम पेमेंट 1,000 to 5,000। लेकिन मैम लेकिन एक्चुअली जैसे होता है, जैसे कास्टिंग एजेंसी होता है, जैसे पेमेंट मिलने के बाद वो लोग 20% या 25%। ये एजेंसी नहीं है या फिर मैं कोई कोऑर्डिनेटर बात नहीं कर रही हूँ कि इधर इधर ऑडिशन के लिए भेजेंगे, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर 20% पहले काट के रख लेंगे है ना, या फिर 20% आपसे पहले ले लेंगे, शूट करने के बाद ही आप ऐसे रिसीव करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है। मतलब तो एक्चुअली रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा पहले? ये आपका कंपलसरी है, अगर आप करते हैं तभी हम आपको वर्क की अपडेट दे पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये कोई डिस्टेंट अमाउंट आप कर रहे हैं, वो 3,350 रुपीज, 3,350 रुपीज ये पेमेंट आपको ओनली फर्स्ट और लास्ट टाइम करना है डियर। आगे जाके आपको किसी को भी सिंगल अमाउंट नहीं देना है। प्रोजेक्ट हम प्रोवाइड करते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर रोल के बेस पर वर्क देते हैं और आफ्टर सेकंड शूट हम आपको पे देते हैं और शूट के साइड पर और अकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन हाउस आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि यूट्यूब चैनल के लिए काम मिल रहा है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ही रहता है। तो ठीक है, मैं एक्चुअली आप बोल रहे हैं, मैं मेरा सर है, मैं सर से पूछ के मैं आपको मैसेज करता हूँ। तो दोस्तों सुना आपने ये कॉल रिकॉर्डिंग, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने कोई ना कोई पॉइंट तो जरूर ढूंढ के निकाल लिया होगा इस कॉल रिकॉर्डिंग में कि ये फेक है या नहीं, और नीचे आपने कमेंट में भी मुझे बताया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ 11 वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनसे आप मेकआउट कर सकते हैं कि ये फेक है। सबसे पहला, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। समझ में आया? जब भी कोई इंसान आपको ये टर्म लेकर के बोले क्या आपके पास प्रोफेशनल पोर्टफोलियो है, इसका मतलब है कि वो ये कहना चाह रहे कि आप हमसे बनवाइए, हम प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाते हैं। जब भी आपको कोई जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर कॉल करेगा ना, तो आपको सिर्फ ये कहेगा कि आप अपने 2-3 फोटोज मुझे भेज दीजिए, अच्छे फोटोज, दैट्स इट। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कोई नहीं मांगेगा आपसे, उनको आपके पिक्चर से मतलब है, अच्छे डिसेंट पिक्चर्स। और वो इस बात को समझ सकते हैं कि आप अगर एक आर्टिस्ट हैं तो आप अच्छी फोटोज ही भेजेंगे ना, आपके खराब फोटोज तो भेजेंगे नहीं। तो ये सबसे पहला पॉइंट था कि अगर आपसे कहा गया है कि प्रोफेशनल पोर्टफोलियो भेजिए तभी हम आपका प्रोफाइल एक्सेप्ट करेंगे या तो नहीं करेंगे, तो आप समझ जाइए कि ये फ्रॉड है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जब इसने ये कहा कि आपको ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और अब वो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मांग रही है, यानी शॉर्टलिस्ट किया गया तो किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया गया जब आपके पास पोर्टफोलियो नहीं था तो? देखो इंसान खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। तो अगर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया किसके लिए, सीरियल्स के लिए, आपको एक्टिंग के लिए और मॉडलिंग के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है ऑलरेडी, और कौन कौन सी मॉडलिंग असाइनमेंट्स, ई कॉमर्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, और आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है जितने भी वेब सीरीज हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, फिल्म्स के लिए। अरे भाई किस प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, कौन सा एड है, कौन सी फिल्म है, कौन सी वेब सीरीज है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया होगा ना? अब आप कोई उनके परमानेंट मॉडल थोड़ी बन जाएंगे। और जिनको भी आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, क्या वो ई कॉमर्स में फिट बैठते हैं, क्या उनकी फोटोज को आप यूज कर पा रहे हो अमेजोन पे या नेटफ्लिक्स पे,
आप उनको काम दिला पा रहे हो। तो दोस्तों ये एक अलार्म है आपके लिए, जब भी कोई आपको कॉल करके इस तरीके से बोले ना कि आपको हमने एक्टिंग के लिए भी शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मॉडलिंग के लिए भी शॉर्टलिस्ट कर लिया है, आपको चार पांच प्रोजेक्ट्स के नाम बता दे, तो समझ जाओ फेक है। जब भी कास्टिंग होती है तो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होती है, एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग होती है, एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में आपको कभी कास्ट नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो है ना आपका जो वीकर पॉइंट, उसको उसने पकड़ लिया है। उसने बोला कि अब हम आपको ऑडिशंस के पोस्ट नहीं भेजेंगे, अब हम आपको सीधा शॉर्टलिस्टेड लुक टेस्ट के लिए बुलाएंगे। मतलब आप समझ रहे हो, आपका वो पॉइंट पकड़ लिया है, तो समझ लिया है कि यार इसको अगर मैं बोलूंगा ना कि मैं आपको ऑडिशन के लिए नहीं सीधा लुक टेस्ट के लिए बुलाऊंगा, तो मतलब ये कि आपका टेंशन खत्म हो गया। अब आप सोचोगे हाँ यार अच्छी बात है, अब तो मुझे ऑडिशन के लिए जाना नहीं पड़ेगा, अब तो मुझे लुक टेस्ट के लिए जाना है और शॉर्टलिस्टेड लुक टेस्ट के लिए। इसका मतलब कि मेरे काम मिलने के चांसेस बढ़ गए और मुझे बाकियों की तरह ऑडिशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मुझे काम जल्दी मिलेगा। तो आपका लालच क्रिएट कर रहे हैं वो लोग। कभी भी ऐसा नहीं होता है, अगर आपने किसी को प्रोफाइल भेजा है और उनको आपका प्रोफाइल पसंद आता है तो वो ऑडिशन की स्क्रिप्ट भेजते हैं, बिना ऑडिशन के काम नहीं मिलता है। जब भी आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको ऑडिशन देना ही पड़ता है, दैट इज फिक्स मैंडेटरी। अब आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो आप घर से ऑनलाइन ऑडिशन देंगे, वो आपको स्क्रिप्ट भेजेंगे, आप वीडियो बना करके उनको भेजेंगे, घर से ऑनलाइन ऑडिशन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम आपको सिर्फ लुक टेस्ट के लिए बुलाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। या तो आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपने बहुत सारा काम किया हुआ है, आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, आपको लोग जानते हैं कि भाई आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, हो सकता है उस केस में आपको सिर्फ लुक टेस्ट के लिए बुलाया जाए। लेकिन अगर आप नए हैं और आपको कोई कह रहा है कि हम सीधा आपको लुक टेस्ट के लिए बुलाएंगे, इसका मतलब वो फ्रॉड है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने बोला कि फर्स्ट शूट में आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, सेकेंड शूट से आपको पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है, आप जितने भी दिन काम करो उसका आपको पेमेंट मिलेगा। ये कुछ नहीं होता, कोई प्रोडक्शन हाउस इस तरीके से काम नहीं करता कि हम आपको पहले दिन पेमेंट नहीं देंगे, उसके बाद के जो भी आप शूट करेंगे हम आपको पेमेंट देंगे। इस तरीके से कोई भी प्रोडक्शन हाउस काम नहीं करता। आप चाहे एक दिन काम करो, 10 दिन काम करो, 1 साल काम करो, जितने दिन काम करोगे उतना पेमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके की कोई टर्म्स कंडीशंस नहीं होती। अगर कोई भी इस तरीके की बातें कर रहा है तो वो फ्रॉड है। और जहां तक कि पेमेंट की बात है, उसने एक चीज और बोली कि आपका पेमेंट 1,000 to 5,000 के बीच में होगा। ऐसे कोई फिक्स कैसे कर सकता है आपको? अरे ये तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, ये तो प्रोडक्शन हाउस पे डिपेंड करता है कि किस प्रोडक्शन हाउस का प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है। एड का बजट अलग होता है, फिल्म का बजट अलग होता है, सीरियल का बजट अलग होता है, और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कैसा प्रोडक्शन हाउस है, उसके हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। और जब प्रोजेक्ट आएगा तब पेमेंट डिसाइड होती है। इसने तो पहले पेमेंट डिसाइड करके रखा है कि आपको 1,000 से 5,000 के बीच में देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे ना उससे कम देंगे। ये कैसा बजट है भाई, ये फेक है। एक चीज और इसने बोली, आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब आप यहां पर शूट के लिए आएंगे तो आपका स्टे, आपका ट्रैवलिंग, आपका फूड, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री होगा प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। भाई साहब ये तो प्रोडक्शन हाउस ही देता है, इसमें कौन सी नई बात है। जब भी आपका किसी प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्शन होगा तो प्रोडक्शन हाउस ही देगा ना। तो कभी भी जब भी कोई आपको जेन्युइन कास्टिंग वाला फोन करेगा तो आपको सिर्फ ये कहेगा कि आप अपना प्रोफाइल भेज दीजिए, फोटोज भेज दीजिए, हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, अगर सिलेक्शन होता है तो आपको हम बताते हैं, अपडेट करते हैं। तो ये कोई आपको मैंडेटरी नहीं बोलेगा कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपका ट्रैवलिंग, फूड, ये सब प्रोडक्शन हाउस देगा। अरे भाई ये तो बिट कॉमन सी चीज है ना यार, प्रोडक्शन हाउस ही पे करेगा, हम थोड़ी अपने जेब से पे करेंगे। एक और आपका वीक पॉइंट पकड़ा, कौन सा? आपकी जो हम कास्टिंग करेंगे ना उसे सैटरडे एंड संडे को करेंगे। समझ जाइए सर, मतलब आपके हिसाब से हम शूट करेंगे। सर आप कब फ्री है? आप सैटरडे फ्री है तो हम अमेजोन को बोलेंगे कि सर जो है वो सैटरडे को फ्री है, तो आप जो 1 करोड़ का बजट लगा रहे हैं वो आप सैटरडे को लगाइए क्योंकि सर सैटरडे को फ्री है। क्या वाहियात चीज है, समझिए आप इस बात को। शूट ब्रांड डिसाइड करेगा, कंपनी प्रोडक्शन हाउस डिसाइड करेगी कब शूट है, आपको उस दिन फ्री रहना पड़ेगा। अगर आप फ्री नहीं है तो आपकी कास्टिंग गई, किसी और को बुलाया जाएगा। तो आपके हिसाब से नहीं चलता, प्रोडक्शन हाउस डिसाइड करता है, ब्रांड डिसाइड करता है कि कब शूट करना है। तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, फ्रॉड है। और ये बात क्यों कही गई है, दिमाग लगाइए, ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होता है, वो वर्किंग होते हैं, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है, तो वो उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आपकी सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है ना, तो आपको हम लोग उस दिन काम दिला देंगे। क्योंकि अगर आप उनसे कहेंगे कि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है तो वो ये एक्सक्यूज दे सकते हैं ना कि नहीं नहीं हम तो जॉब करते हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो एक्सक्यूज था उसको पहले ही काट दिया गया। उन्होंने बड़े स्मार्टली प्ले किया कि सैटरडे संडे को हम बुलाएंगे आपको। फेक है भाई।
अगला पॉइंट जो इन्होंने आपसे कहा कि आधार कार्ड भेज दीजिए, पैन कार्ड भेज दीजिए, अरे यार ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी कास्टिंग वाला आपको शुरुआत में जब बात कर रहा है उस वक्त आपसे नहीं कहेगा कि आप आधार कार्ड भेजिए, पैन कार्ड भेज दिए। क्या करना है उसको आधार कार्ड से? आपको घर पे, आपके घर पे थोड़ी जाना है, ना उसको घर पे बुलाना है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ऑडिशन वीडियो मांगेगा, आपके पिक्चर्स मांगेगा, अगर ऑडिशन की जरूरत पड़ेगी तो स्क्रिप्ट भी भेजेगा, आपसे कहेगा कि आप घर से वीडियो बना के भेजिए, सही लगेगा तो फिर आगे बात करेंगे, आपको शूट पे बुलाया जाएगा। शूट पे बुलाने के बाद वहां पे हो सकता है आपसे इनवॉइस भरवाया जाए, हो सकता है उस वक्त शूट के दौरान या शूट के बाद जब पेमेंट की बात आती है तब आपसे कहा जाएगा कि आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड दे दीजिए तो हम आगे के डॉक्यूमेंट्स भर देते हैं और आप साइन कर दीजिए। ये आपसे कहा जाएगा शूट के दौरान, या अगर आपकी किसी सीरियल में कास्टिंग हो चुकी है तो उस वक्त आपको बुलाया जाएगा ऑफिस में कि आप ऑफिस में आ जाइए हमारे प्रोडक्शन हाउस में और यहां पे आके अग्रीमेंट साइन कर लीजिए, तब आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। इस तरीके से अभी उसको फोटो समझ में नहीं आया, उसको कैरेक्टर समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया और आपको घर से बैठे बैठे बोला कि आप फोन पे मुझे आधार कार्ड भेज दीजिए, पैन कार्ड भेज दीजिए, इसका मतलब वो फ्रॉड है और आपको किसी को भी इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। कोई भी इंसान अगर आपको फोन पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है आपको नहीं देना है, वो फेक है। अब उसने की फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए उसने आपको कॉल किया था और वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कितना? 3,350 रुपए मांगे। बड़ा कैलकुलेटिव फिगर मांगा है ताकि लोगों को आसानी से कंफ्यूज किया जा सके और ऐसा लगे कि हाँ भाई इतना कैलकुलेटिव फिगर मांगा है तो जेन्युइन ही होंगे ये लोग, फ्रॉड तो नहीं होंगे। अब उसका मोटिव यही था कि आपसे रजिस्ट्रेशन लिया जाए और झूठ बातें बता के फेक तरीके से आपको फंसा करके रजिस्ट्रेशन मांगा जाए कि हम आपको काम दिलाएंगे। अब होता क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन बेसिक झूठ बोल के रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि हम आपको काम दिलाएंगे, बाद में एक बार आपने उनको पैसा दे दिया उसके बाद हो सकता है आपका नंबर ब्लॉक कर दें, और अगर नंबर ब्लॉक नहीं करेंगे तो आप जब उनको दोबारा कॉल करेंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको काम तो मिलेगा नहीं, तब आपको ये झूठ बोल बोल करके घुमाते रहेंगे कि अरे आपके लिए काम आया नहीं है, आपके लायक काम नहीं आया है, काम डिले हो रहा है, कोरोना की वजह से हो रहा है, ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, सब्र रखिए हम आपको काम देंगे। तो आप भी कितने दिन फॉलो करेंगे? 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल, उसके बाद आप खुद परेशान हो जाएंगे। इतना स्ट्रेस कौन लेगा? फिर आदमी जो है खुद ही छोड़ देता है कि जाने दो यार, पैसे गए तो भाड़ में गए, जाने दो। तो उनका तो फायदा हो गया 3,350 रुपए का, और आपकी तरह ना जाने कितने लोगों को और भी वो डेली बेसिस पे फ्रॉड का शिकार बनाते रहते हैं, तो उनकी तो कमाई चली रही है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब यहाँ पर स्टूडेंट ने बात की कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जब शूट हो जाता है उसके बाद कास्टिंग एजेंसीज जो है वो कमीशन लेती हैं 20%, 25%, तो उसने बात घुमाने की कोशिश की, नहीं डियर नहीं, मैं वहां से नहीं हूं, मैं किसी कास्टिंग एजेंसी से नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, और हम जो है पहले रजिस्ट्रेशन लेते हैं उसके बाद काम करते हैं। एक चीज एकदम क्लियर समझ लो, एकदम क्लियर, किसी को भी रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे नहीं देने, अग्रीमेंट के नाम पे पैसे नहीं देने, काम दिलाने के नाम पे, ट्रैवलिंग के लिए, फूड के लिए, स्टे के लिए, आर्टिस्ट कार्ड के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, किसी भी काम के लिए कुछ पैसे नहीं देने। ये सब कुछ प्रोडक्शन हाउस करता है। आर्टिस्ट कार्ड की इनिशियली जरूरत नहीं होती, अगर आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, जब पैसे हो जाएं तब आर्टिस्ट कार्ड बनवाइए, ठीक है। पोर्टफोलियो की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, अच्छे पिक्चर्स आपके पास होने चाहिए, आपको जरूर काम मिलेगा। इसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, कहीं किसी को कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप ऑडिशन दीजिए घर से, अच्छे ऑडिशन वीडियोस बनाइए, अच्छे ग्रुप में जुड़िए, कास्टिंग के अपडेट्स लीजिए, वहां पे उनको फॉरवर्ड करते रहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो डेफिनेटली आपको काम मिलेगा। जहां तक बात रहेगी कमीशन की, तो कुछ अच्छे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो कि आपको काम दिलाते हैं। जैसे आपने काम कर लिया और काम करने के बाद 90 डेज के बाद या 45 डेज के बाद जब भी आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं उसमें से आपको 20% उन कोऑर्डिनेटर्स को देना होता है। यानी जब आपको पैसे मिल जाते हैं उसके बाद आपको पैसे देने हैं एज अ कमीशन, एज अ टोकन अमाउंट कि आपने जो है मुझे काम दिलाया था, मेरे लिए एफर्ट किया था, तो मैं आपको 20% दे रहा हूं अपने पेमेंट में से एज अ कमीशन। तो ये पेमेंट मिलने के बाद होता है, जब आपको प्रोडक्शन हाउस से पेमेंट मिल जाता है। प्रोडक्शन हाउस से अगर पेमेंट नहीं मिला है तो आपको किसी को भी कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे उसने बोला ठीक है अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो मैं अपने सर से पूछ लेता हूं, उसके बाद आपको कॉल बैक करता हूं, तुरंत कॉल कट, क्योंकि उसको समझ में आ गया अब कुछ उसको मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे तो सर मना ही करने वाले हैं और उसको कुछ पैसा मिलेगा नहीं। तो एक मुर्गा जो फंसने वाला था अब वो फंसेगा नहीं। तो दोस्तों आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा, ये 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और आगे से आप भी ध्यान रखेंगे। कोई भी अगर कॉल करता है और इन 11 में से कोई भी पॉइंट का जिक्र करता है तो तुरंत उसको ब्लॉक कर देना है।